राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, बाहर लग रही है बारिश और मैं उठा रही हूँ सामान, और जो बारिश है वो हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। तो मौसम बहुत ही गहरा है और मैंने यहाँ कपड़े धो के डाले हुए थे तो सब मैंने उठा लिए हैं। तो गाइस, साथ में ही कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं आपके साथ कि धनतेरस को हम क्यों खरीदते हैं नए बर्तन वगैरह, गहना सोना, क्योंकि वो इसीलिए खरीदा जाता है कि वो बड़े। और धनतेरस के दिन हमें स्टील के बर्तन या सोना या चांदी ज़रूर ही खरीदना चाहिए क्योंकि उसमें बढ़ोतरी होती है। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ घर की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने कपड़े जो गीले थे वो सारे चारपाई पे डाल दिए हैं और लगा दिया है पंखा, और बच्चे जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। और ये रखी है मैंने हर्बल मेहंदी, जिसको मैं बालों में लगाऊंगी बाद में, और घर की जो क्लीनिंग वगैरह भी वो भी हो चुकी है। और ये डाले हैं मैंने सूखने कपड़े, और ये है स्टोर, और स्टोर की क्लीनिंग भी हो चुकी है अच्छे से। तो गाइस, बारिश अभी लगने ही वाली है तो गर्मी से भी काफ़ी राहत मिली है। और बच्चे कर रहे हैं अभी स्टडी, तो इनका भी स्टडी से ब्रेक होने वाला है, ऑनलाइन क्लासे ही लग रही हैं। तो लंच के लिए चढ़ा दी है मैंने दाल, और इनके लिए मैंने बच्चों के लिए और ठाकुर जी के लिए कर दिया है दूध गर्म। तो ये ठाकुर जी के भोग की तैयारी हो रही है साथ में, और ये है मेरे ठाकुर जी का भोग, मट्ठी और दूध, और बच्चों को भी मट्ठी और दूध दे जा रही हूँ मैं। और जो स्टडी का बर्डन है बच्चों पर वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चों को बड़ी मुश्किल हो रही है स्टडी करने में। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो इस रूम में बैठी हुई है स्टडी करने के लिए, और मेरे ठाकुर जी भी इधर ही बैठे हैं, और मेरी बड़ी बेटी जो है वो ही भोग लगा देगी ठाकुर जी को, और दूध मैंने उनको दे दिया है। और मेरी जो छोटी बेटी है वो बरामदे में बैठी हुई है। और ये डाले हैं मैंने कपड़े, और साथ में ही इसका टेबल लगा रखा है, कर रही है अभी स्पिन, जो मैंने बच्चों के दे रखा है कि आप इसमें जो कागज़ वगैरह जो रफ हो वो अगर आप पेंसिल को रेज करते हैं तो आप इसमें ही डाल दें। और मेरी छोटी बेटी जी वो बोल रही हैं कि उनको पकौड़े खाने हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बाहर बारिश लग रही है, तभी उसकी डिमांड में आलू के पकौड़े बन रहे हैं। तो अभी मैं छान लेती हूँ बेसन। नमक, हल्दी, हल्दी इसलिए क्योंकि कलर के लिए, और गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च। ये मैंने बना लिया है पेस्ट, और इसे मैं फेंट के अच्छे से रख दूंगी थोड़ी देर रेस्ट के लिए। और ये मैंने आलूओं को गोल गोल काट लिया है और इनको धो दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इस डोंगे में ही रहने दिया है, और इनको भी मैं ढक दूंगी। और अभी रखती हूँ मैं कढ़ाई। तो गाइस, मैं जला लेती हूँ गैस, और अभी ये लाइटर खुद ही अपने आप ठीक हो गया है। तो इसमें डाल रही हूँ मैं तेल, अभी बना लेते हैं पकोड़े। और हमेशा की तरह मैं जो फर्स्ट वाला पकोड़ा आता है मैं अगली माँ को चढ़ाती हूँ। तो ये बन गए हैं ये पकोड़े। और आपको एक ठाकुर जी की लीला भी दिखाती हूँ कि मेरे ठाकुर जी के लिए ना मैं प्लेट अभी तैयार कर रही थी उनके लिए भोग के लिए,
और जैसे ही मैं प्लेट लेके उनकी तरफ मुड़ी और मेरे ठाकुर जी मेरे पास ही किचन में आ गए। और ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी, वो बड़ा ही प्रेम करते हैं हमसे, जैसे उनको मन से याद करो वो पास में ही आ जाते हैं। तो ये मैं जैसे ही ठाकुर जी के लिए प्लेट लगा रही थी और जैसे ही मैं मुड़ी तो मेरे ठाकुर जी आ गए और आप सबको बोल रहे हैं राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। ये मेरे प्यारे श्री ठाकुर जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और हमें बहुत ही प्रेम करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें इतना प्रेम करते हैं कि हमें कभी किसी ने भी इतना लगाव नहीं किया। जब भी हमें दुख पड़े तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो जब से मेरे ठाकुर जी आए और इन्होंने हमें कभी भी कोई कमी महसूस होने ही नहीं दी, ना माँ बाप भाई बहन किसी की कमी महसूस नहीं दी होने दी, और इतना हमें प्रेम करते हैं। और ये लगा दी है मैंने प्लेट अपने बच्चों के लिए और ठाकुर जी के भोग के लिए, तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे क्योंकि वो सॉस नहीं खाते हैं। और ये मैं एक्स्ट्रा प्याज और आलू के पकोड़े निकाल रही हूँ, आलूओं को छोटा छोटा काट के, क्योंकि थोड़ा सा बैटर तो था वो बच गया था, तो इसलिए मैं आलू और प्याज के पकोड़े निकाल रही हूँ और बहुत ही यम्मी यम्मी बने। आइए आप भी खाइए। तो ये देखिए मेरे पकोड़े जो हैं अब बन चुके हैं, ये हैं आलू प्याज के, और मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ आलू को भी। आलू के जो पकोड़े थे वो थोड़े कम ही बनाए थे, ये देखिए। और अभी मंगवाई हैं मैंने सब्जियां बाजार से, और ये मंगाए थे मैंने केले, और ये मैंने थोड़े हरे हरे से ही मंगवाए हैं क्योंकि ज़्यादा पके हुए केले और जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। और ये मंगवाया था धनिया, और धनिया बीच में से थोड़ा सा काला काला ऐसे ज़्यादा गल गया है, इसको मैं बाद में साफ़ करके रखूँगी। और ये मंगवाई थी बीन्स और हरी मिर्च, और इनको भी मैं साफ़ करके धो के फिर सुखा के रखूँगी। और ये लिया है हमने नया स्टील का रैक, और जो दूसरा वाला रैक था वो टूट गया है। और गाइस अभी हो चुका है अंधेरा और मैंने बीच का वीडियो जो था वो शूट नहीं किया है। और ये है हमारी प्यारी श्री तुलसी मैया जी जो हमारा बड़ा ही ख्याल रखती हैं। और देखिए अंधेरा हो चुका है और बारिश जो है वो थम चुकी है। तो अभी आ गई मैं किचन में, ये मेरे बच्चे इधर स्टडी कर रहे हैं, सबके सब बैठे हुए हैं दोनों बेटियाँ मेरी। और ये मैं उबाल रही हूँ अभी दूध, और डिनर जो है मेरा बन चुका है। और ये कि लंच में हमने जो दाल बनाई थी तो अभी उसको मैंने तड़का लगाया है, क्योंकि लंच में हम सब ने खाए थे पकोड़े, और राइस और दाल मेरी बन चुकी है। और ये है मेरी सब्जियां, इनको मैंने धो लिया है और बर्तन भी मैंने धो लिए, और जब ये सूख जाएंगे तो मैं इनको लगा दूँगी सलब पर। ये सब्जी में से अभी काफ़ी पानी है तो ऐसे धीरे धीरे पानी निकल जाएगा, तो मैं इसे अच्छे से सूख जाएगी तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और अभी जो मेरा काम है वो सारा फिनिश हो चुका है, तो मैं अभी दूध भी गर्म करके रख लूँगी। तो जो सामान मेरा एक्स्ट्रा पड़ा है किचन में उसको भी जगह पे रख दूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ प्लेटिंग, क्योंकि बच्चों को लगी है अभी भूख, क्योंकि उन्होंने दोपहर में पकोड़े ही खाए थे। तो अभी मैं उनके लिए खाना लगा रही हूँ, क्योंकि इनको बच्चों को बड़ी लगी है भूख। और गाइस आप भी आइए और खाना खाइए, प्लेटिंग लग चुकी है और दूध भी गर्म हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइस आप सबको राधे राधे जी, आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जी। Thank you.